हाय ऑल, आप लोगों को तो मालूम है हम लोग कहाँ जा रहे हैं बोलकर। मेरे शॉर्ट्स देख लिए ना आप लोग? तो हम लोग ले लिए इंडिगो की कनेक्टिंग फ्लाइट टू कश्मीर। ये अमृतसर पर 2 आवर्स की जर्नी है अमृतसर, फिर अमृतसर से 1 आवर टू कश्मीर है ये। तो श्रीनगर हम लोग ये कलर कोऑर्डिनेट करे हुए हम लोग अब पूरे। तो ये देखिए, हम लोग अमृतसर पर उतर कर फोटोज़ ले लिए पूरे। हम लोगों के ग्रुप फोटोज, ये फर्स्ट फोटो है ग्रुप की हमारी, पूरे कलर कोऑर्डिनेट कर ले लिए। और वहाँ से निकलकर हम लोग जो है कश्मीर पहुँच गए। बस खाली प्लेन में से जो कश्मीर का नज़ारा दिखाना, बस मैं तो उससे पागल हो गई। जो ये वीडियोज ली मैं प्लेन में से ली, क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट पर नीचे उतरे तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। हर जगह वो लगा कर रखी थी कि नहीं लेना वीडियो एंड फोटोग्राफी, प्रोहिबिटेड। जब हम लोग पहुँचे, हम लोग ठहरे हैं 4 पॉइंट्स बाय शेरिटन में ठहरे, और वहाँ पर गौरव बाबा के फ्रेंड मिलने आए हम लोगों से, इमरान। तो ही बॉट अस अ बिग वेलकम गिफ्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड 2 बॉक्सेस ऑफ गोल्डन एप्पल्स। इतने लजीज, इतने टेस्टी, कुछ बोलना नहीं। Thank you, Imran, for the apples and the dry fruits. We really enjoyed the apples and the dry fruits. तो फिर उसके बाद हम लोगों को तो बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करे थे, लंच नहीं करे थे, ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक हो गए थे। तो हम लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में रिक्वेस्ट करे तो दे गेव अस पास्ता दिए, फ्राइज दिए और आलू पूरी दिए। तो देखिए, ये हम लोगों का रूम है, एक्सेलेंट रूम है। और यहाँ का स्टाफ भी जो है सो कि वेरी, 4 पॉइंट्स ऑफ शेरिटन का जो स्टाफ है ना, रियली वेरी फ्रेंडली। द रूम्स आर वेरी वेल मेंटेन, बहुत अच्छा है यहाँ पर की सर्विस, हर चीज़, हर वक्त ये लोग आपको स्माइल कर सर्व करते। सो दैट इज़ रियली अ प्लस पॉइंट यहाँ पर के लिए। तो बहुत एवरीबडी, हम लोग जितने भी मिले ना हम लोग, दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली पीपल। अब तक जो भी हमसे मिले, हम लोगों के जो टूर के ड्राइवर है और हम गौरव के फ्रेंड इमरान एंड द स्टाफ ऑफ द 4 पॉइंट्स बाय शेरिटन। ये देखिए, मैं आप लोगों को अब एक टूर दे रही हूँ होटल का। लिफ्ट में से, हम लोगों का 5th फ्लोर पर रूम है, लिफ्ट में से नीचे उतरते कि ब्यूटीफुल कार्विंग है ये ऑन कौन सा वुड बोलते हैं इसको, बोलते वॉलनट वुड के ऊपर, बहुत ही। एंड द ये जो शॉप है ना, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी लवली पर्सन। यू कैन, वहाँ से हम लोग थोड़े चीज़ें भी खरीदे उनके पास से, एंड वेरी रीजनेबली प्राइस्ड आई वुड से। तो देखिए, ये है लॉबी है इन लोगों का, दिस इज़ द किचन एरिया, रेस्टोरेंट एरिया है ये यहाँ इन लोगों का, उसके पीछे किचन है। और बहुत ही वेरी पीसफुल, वेरी एलिगेंट रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा दिखा पूरी होटल। ये होटल की लॉबी है, और रियली आई वुड से कि वेरी वेल मेंटेन होटल है ये, इतना अच्छी। पूरा स्टाफ से लेकर, होटल से लेकर, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली देयर। तो यहाँ पर से थोड़े देखिए, हमारे लोगों के रील्स बन रहे हैं यहाँ पर पूरी, बच्चों के, हमारे समीरा की और अनुषा की। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करें बोले तो, कि वी वेंट ऑन अ, देखिए पूरी आप लॉबी बता रही हूँ मैं, लॉबी देख लिए बात। अब हम लोग एक्चुअली रेडी होकर, वी आर गोइंग ऑन अ स्मॉल राइड, फर्स्ट राइड इनसाइड श्रीनगर डाल लेके, शॉपिंग ऑन डाल लेके, सिटी इन शिकारा में बैठकर शॉपिंग करते हुए, थोड़ा डर लगा। ये है जाफरानी चाय विद ड्राई फ्रूट्स पीते हुए हम लोग, राजू जी की शॉप से शॉपिंग कर रहे हम लोग। एंड वो जो है भैया जी, आपका नाम क्या है? एक्चुअली उनका नाम तारिक, गुलाम मेहमद, गुलाम मेहमद जी के पास चाय पीते हुए हम लोग। एंड ये जो राजू जी है, कश्मीरी कावा है ये, तारिक है। अच्छा, जो है सो की ज्वेलरी सेल करते हैं। एंड ये दीदारा शिकारा में बैठकर हमारे दोनों बच्चों की शॉपिंग हो रही है यहाँ पर। और अनुषा जो है सो की शर्मा कर, मैं बोली इट्स ऑल बीइंग रिकॉर्डेड, वीडियो ले रही हूं, अनुषा शर्मा कर वो। ये देखिए, आप शिकारा में चलते चलते, एंड जो कश्मीरी ज्वेलरी है ना, आई एम तो अ बिग फैन ऑफ कश्मीरी ज्वेलरी में। तो ये हमारी फर्स्ट शॉपिंग है, में पहुंचते ही शिकारा में बैठकर राजू जी यानी कि तारिक के पास से हम लोग
शॉपिंग कर रहे सुहेब। देखिए और आगे देखिए, यहाँ पर पूरे हाउस बोट्स लगे हुए हैं और हाउस बोट्स आर मेड ऑफ डियोदर। ये जो हम लोग शिकारा में बैठे हुए हैं ना, ये भी जो है सो कि डियोदर वुड से बनी हुई है ये, एंड दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन इन वाटर। और वो जो दूर में लाइटा दिख रहे ना, वो जो है सो कि मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट है वो। तो इतनी खूबसूरत जगह है, रात अंधेरा हो गया था और ठंड बोले तो कुछ बोलना नहीं, पानी में हम लोग थे, ठंडी लग रही थी और क्या मजा आ रहा था मालूम, कुछ बोलना नहीं। और ये पूरा हम लोग डाल लेक में शिकारा पर बैठकर घूमते हुए कावा पीते हुए पूरे दुकाना देखते हुए, एंड यू नो इट्स रियल ए नॉवल एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ मैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आप शिकारा पर ऐसा पानी में बैठ कर जा रहे हैं और वो जो उन लोग पैडल मारते ना, तो उसका जो आवाज़, पानी का आवाज़, इट इज़ रियली एक्सपीरियंस टू बी एक एक्सपीरियंस है जो अपन एक्सपीरियंस करना चाहिए ज़िंदगी में एक वक्त बोलकर। और देखिए ये शॉपिंग चल रही है, अभी भी चल रही है हमारी शॉपिंग। और एंड इतने वो रहते, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था पानी में, तो मैं पूछी कितना डीप है ये दाल लेक, बोले तो इट इज़ 10 or 15 feet डीप है। तो जब मेरे को वो हुआ कि हाँ 10-15 feet ही है बोलकर, फिर हम लोग आए यहाँ पर, थोड़ा फोटो सेशन हुआ हम लोगों का शिकारे में। मैं तो डर कर थी, कुछ भी बोल लो, गौरव और अनुषा समीरा जो है सो कि ज़रा वो थे, लेकिन मेरे को थोड़ा पानी से डर ही लगता कि नहीं स्विमिंग नहीं आती हुई, तो सीखना चाहिए सबको स्विमिंग। तो शिकारा 1 घंटे का राइड करे हम लोग कर जो है सो कि वापस रेस्टोरेंट को आ गए, अंधेरा हो गया था तो वीडियो ले ली। तो ये था यहाँ का बुफे। तो हम लोगों के स्टे में है ना, अलॉन्ग विथ द टैरिफ 4 seasons 4 points बाई शेरेटन में ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल स्प्रेड था यहाँ का जो स्टार्टर्स में दे गेव 1 non-veg एंड 1 veg। non-veg में फिश थी, दे गेव बासा फिश और चॉइस ऑफ आइसक्रीम्स थे। एंड जो सूप था ना, आई लव सूप, तो ये था क्रीम ऑफ पम्पकिन सूप एंड इट वॉज माई, आई लव्ड इट। और ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों इसमें वो है, लेकिन बट दे आर सेपरेटेड। सूप इज ऑलवेज वेजिटेरियन यहाँ पर, एक साइड पूरा वेजिटेरियन रखे और एक साइड नॉन वेजिटेरियन रखे। उसमें आपको नॉन वेज वेजिटेरियन में था मखनी, दाल मखनी थी, पनीर था, वाइट राइस, दाल तड़का और क्या बोलते सो कि दाल मखनी तो कंपलसरी थी, वाइट राइस था। और जो है सो कि नॉन वेज में जो है सो कि ये था क्या बोलते सो कि चना मसाला भी था, एक गार्लिक राइस था, बहुत ही यमी गार्लिक राइस था। और उसके साथ था सम फिश करी थी इन उसके साथ, और जो है सो कि अंडा करी थी इन हाक, जो अपन पालक बनाते ना तो यहाँ का हाक साग रहता, हाक बोलकर भाजी रहती, तो उसमें वो लोग अंडे डालकर बनाए थे और चिकन करी थी। और डेजर्ट में तो फिरनी और पानी पूरी, तो मैं बोलना भूल गई, पानी पूरी थी और बहुत सारे डेजर्ट्स थे। तो चलिए फिर मिलेंगे, शब्बा खैर।